जयाग। आओ, आज जरा विवरण के साथ समझें कि धर्म क्या है धर्म और संप्रदाय के भेद को भली भांति नहीं समझेंगे तो इन दोनों का सम्मिश्रण करके अपने भी हानि कर लेंगे औरों की भी हानि कर लेंगे खूब अच्छी तरह समझें कि धर्म का इन संप्रदायों से कोई लेन देन नहीं होता संप्रदाय किसी एक समाज विशेष के किसी एक जाति विशेष के हो सकते हैं सीमित लोगों के हो सकते हैं धर्म तो सबका होता है धर्म सार्वजनीन होता है धर्म सार्वदेशिक होता है सार्वभौमिक होता है धर्म सार्वकालिक होता है धर्म सनातन होता है इसलिए धर्म महान होता है अपरिमित होता है असीम होता है निसर्ग के वो नियम जो सब पर लागू होते हैं वही धर्म कहलाए भारत की पुरातन भाषा में धर्म किसे कहते थे इसे जरा विवरण से और समझें आज के 2500 वर्ष पूर्व के भारत में जनता की भाषा में धर्म का क्या अर्थ किया जाता था दुर्भाग्य से उस समय के भारत की जनता की भाषा का एक विशाल साहित्य बहुत विपुल साहित्य लगभग पंद्रह हजार पृष्ठों की धर्मवाणी और फिर उस पर भाष्य टीकाएं अनुटीकाएं सारा मिल करके कोई लगभग पचास हजार पृष्ठों का साहित्य दुर्भाग्य से हमारे देश से लुप्त हो गया पिछले दो हजार वर्षों से लुप्त हो गया पड़ोसी देश में गया और अब वहां से आ रहा है उसको अध्ययन करने से मालूम होता है कि उस समय की भारत की भाषा में धर्म किसे कहते थे धर्म के क्या व्याख्या होती थी उसे समझें उन दिनों की भाषा में कहा गया धारे ति तिधमो धारण करे सो धर्म यह एक व्याख्या हुई धारण करे सो धर्म एक और व्याख्या अत्तनो स्वभावंग अत्तनोलखण धारे ती तिधम अपना स्वभाव धारण करता है अपना लक्षण धारण करता है वो धर्म कहलाता है धारे ती तिधम धारण करे सो धर्म तो कौन धारण करे और क्या धारण करें उन दिनों की भाषा में बहुत स्पष्ट था कि चित्त धारण करता है और क्या धारण करता है चित्त वृत्ति धारण करता है कभी यह चित्त वृत्ति धारण की कभी वो चित्त वृत्ति धारण की जो चित्त वृत्ति धारण की चित्त ने जो चित्त वृत्ति धारण की उन दिनों की भारत की भाषा में वो धर्म कहलाता था देखते हैं उस विशाल साहित्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग देखते हैं कुशल धर्म अकुशल कुशल धर्म मंगल धर्म अमंगल धर्म शुक्ल धर्म कृष्ण धर्म पुण्य धर्म पाप धर्म आज का कोई व्यक्ति इसे पढ़ करके जरा भोचक्का रह जाता है कि कैसी बात हुई कि पुण्य तो धर्म हुआ पाप कैसे धर्म हो गया कुशल तो धर्म हुआ अकुशल कैसे धर्म हो गया मंगल तो धर्म हुआ अमंगल कैसे धर्म हो गया शुक्ल तो धर्म हुआ कृष्ण कैसे धर्म हो गया तो समझे जो धारण करे सो धर्म उन दिनों की भाषा में जो धारण करे चित्त ने ऐसी चित्तवृत्ति धारण की जिसकी वजह से हमें कुशलता प्राप्त होती है जिसमें कुशलता समाई हुई है वो उन दिनों की भाषा में कुशल धर्म कहलाया ऐसी चित्तवृत्ति धारण की जिससे हमारा अकुशल होता है उसमें अकुशल समाया हुआ है वो अकुशल धर्म कहलाया जिस चित्तवृत्ति में हमारा मंगल समाया हुआ वो मंगल धर्म कहलाया जिसमें हमारा अमंगल समाया हुआ वो अमंगल धर्म समाया कहलाया जो चित्त वृत्ति से हमारा चित्त पुनीत होता है पवित्र होता है वो पुण्य धर्म कहलाया जिस चित्त वृत्ति से हमारा चित्त मैला होता है वो पाप धर्म कहलाया जिस चित्त वृत्ति से हमारा चित्त उजला होता है वो शुक्ल धर्म कहलाया जिस चित्त वृत्ति से हमारे मन में कालस आती है वो कृष्ण धर्म कन्ह धर्म कहलाया कुछ दिनों तक इन शब्दों का प्रयोग चलता रहा और खूब चलता रहा क्योंकि इतने बड़े विशाल साहित्य में बार बार इन शब्दों का प्रयोग हम देखते हैं धीरे धीरे हमारे देश के सदगुरुओं ने लोगों को समझाया कि देखो वो चित्तवृत्तियां जिनमें तुम्हारा कुशल समाया हुआ है जिनमें तुम्हारा मंगल समाया हुआ है जिनकी वजह से तुम्हारा चित्त पुनीत होता है पवित्र होता है वो धारण करने योग्य है और जिनसे तुम्हारा अमंगल होता है जिनसे तुम्हारा अकुशल होता है जो तुम्हारे चित्त को मैला करती हैं उनको धारण करना तुम्हारे लिए हानिकारक है तो ये करणीय है और ये अकरणीय है इन चित्त वृत्तियों को धारण करना करणीय है करनी है, माने कर्तव्य है इन चित्तवृत्तियों को धारण करना अकरणीय है माने कर्तव्य नहीं है तो धर्म का एक अर्थ और प्रचलित हुआ धर्म का अर्थ हुआ कर्तव्य है ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी चित्तवृत्तियां धारण करें जिनसे हमारा मंगल हो हमारा कुशल हो चित्त पवित्र हो उसमें कोई कालस ना आने पावे ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी चित्तवृत्तियों को धारण न कर लें जिनमें हमारा अमंगल समाया हुआ हमारा अकुशल समाया हुआ जो हमारे चित्त को मैला करती है जो हमारे चित्त को कलुषित करती है उनको न करना कर्तव्य इनको करना कर्तव्य तो धर्म का एक और प्रचलित अर्थ चला धर्म का अर्थ हुआ कर्तव्य जो जो कर्तव्य है कुछ समय बीतने के बाद बड़ा रोचक इतिहास है दिलचस्प इतिहास है धर्म शब्द के अर्थ का यह एक रोचक इतिहास है कैसे आगे जाकर के जो जो कर्तव्य है जो जो करणीय है वो सारा का सारा धर्म कहलाने लगा और जो जो अकर्तव्य है अकरणीय है वो अधर्म कहलाने लगा वो पाप कहलाने लगा तो धर्म वो जिसमें हमारा कल्याण समाया हुआ चित्त वृत्तियां ही इस प्रकार की हैं उनका स्वभाव ऐसा है इसलिए दूसरी व्याख्या कि जो धारण किया उसका स्वभाव कैसा है उसका नेचर कैसा है जिस चित्त वृत्ति का स्वभाव ही ऐसा है कि हमें व्याकुल बना देगी हमें पीड़ित कर देगी हमें दुखियारा कर देगी उसे न धारण करें जिन चित्त वृत्तियों का स्वभाव ही ऐसा है कि हमें उससे बहुत शांति मिलेगी बहुत सुख मिलेगा उसे धारण करें तो धीरे धीरे शब्दों का यह अर्थ प्रचलित होने लगा कि धर्म वो है कि जिसमें हमारा मंगल समाया हुआ अधर्म वो है कि जिसमें हमारा अमंगल समाया हुआ यह धर्म की व्याख्या धीरे धीरे समाज में प्रतिष्ठित होती चली गई दो शब्द और देखते हैं हम धर्म के साथ जुड़े हुए एक को कहा गया आर्य धर्म एक को कहा गया अनार्य धर्म आज के भारत में इन दोनों शब्दों के अर्थ बदल गए आज तो आर्य किसी एक विशेष जाति को कहने लगे गोरा चिट्टा रंग हो बड़ी आंखें हो लंबी नुकीली ना नाक हो तो कहेंगे ये आर्य जाति का व्यक्ति है कोई बेचारा काले रंग का हो मोटे होठ हो घुंघराले बाल हों तो कहेंगे यह हबशी जाति का है किसी का पीला रंग हो चपटी नाक हो और चुंधियाई चुंधियाई छोटी छोटी आंखें हो तो कहेंगे मंगोल जाति का है तो आर्य का यह जातिवाचक जो अर्थ है उन दिनों के भारत में बिल्कुल नहीं था जरा भी नहीं आर्य कहते थे उस व्यक्ति को कोई हो काले रंग का हो गोरे रंग का हो लंबे नाक का हो ओछी नाक का हो कोई फर्क नहीं पड़ता वो व्यक्ति जो धर्म के रास्ते चलते चलते अपने चित्त से मैल दूर करते करते जिसने चित्त और शरीर के परे की परम सत्य की अनुभूति कर ली इंद्रियातीत अवस्था की अनुभूति कर ली ऐसा व्यक्ति निर्मल चित्त हो गया ऐसा व्यक्ति संत हो गया वही आर्य कहलाया और जो इस अवस्था पर नहीं पहुंचा धर्म का पालन नहीं कर रहा है गलत रास्ते पड़ा है उन दिनों की भाषा में उसे अनार्य कहते थे हीनो, गम्मो, पोथु जनिको, अनत्थ संगितो, ऐसा अनार्य है अरे बड़ा हीन है बड़ा गमार है अपना अनर्थ ही अनर्थ करता है धर्म से पृथक पड़ गया वो अनार्य कहलाता था जनता की भाषा में अनरियो ये अनार्य का अनर और अनियो ही होते होते आज के हिंदी में अनाड़ी जिसे कहते हैं उसमें से क्या लेन देन गुणवाचक अर्थ है इनके इन शब्दों के अनाड़ी हो गया इसे होश नहीं है क्या कर रहा है अपनी हानि करता है औरों की हानि करता है तो आर्य धर्म और अनार्य धर्म वो चित्त वृत्तियां जिनको धारण करने से कोई अनार्य व्यक्ति आर्य बन जाए वो आर्य धर्म और वो चित्तवृत्तियां जिनके धारण करने से कोई व्यक्ति अनार्य ही बना रहे वो अनार्य धर्म यूं धर्म की ये दो व्याख्याएं एक बात बहुत अच्छी समझ लेनी चाहिए कि आज से 1500-2000 वर्ष के पूर्व के भारत के साहित्य में किसी परंपरा का साहित्य हो ये शब्द ढूंढे नहीं मिलेंगे हिंदू धर्म बौद्ध धर्म कि जैन धर्म बाकी सारे संप्रदाय तो आए ही बाद में लेकिन कहीं नहीं मिलेंगे यह सारा का सारा पिछले 1500 2000 वर्षों में हुआ इसके पूर्व आर्य धर्म अनार्य धर्म कुशल धर्म अकुशल धर्म एक और शब्द धर्म के साथ जुड़ा हुआ था सनातन धर्म आज इसका भी अर्थ बिगड़ गया आज तो कोई सनातन धर्मी है तो उसके विपरीत कोई आर्य समाजी है सनातन कहें कि बहुत पुराना है तो यह हमारा सनातन धर्म है बहुत पुराना है लेन देन नहीं भाई उन दिनों की भाषा में सनातन किसको कहते थे जो सदा एक जैसा रहता है शाश्वत है धर्म हमेशा सनातन होता है इसीलिए एस धम्मो सनातनो धर्म सनातन है अग्नि का धर्म जलना और जलाना आज के लाखों करोड़ों वर्ष पहले भी अग्नि का यही धर्म था जलना और जलाना आज भी धर्म यही है अग्नि का जलना और जलाना और आज के करोड़ों वर्ष के बाद भी यही धर्म रहने वाला है जलना और जलाना ठीक इसी प्रकार मन में क्रोध जगाएं द्वेष जगाएं ईर्ष्या जगाएं दुर्भावना जगाएं तो उनका धर्म उनका स्वभाव हमें व्याकुल बनाना हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले भी इन चित्तवृत्तियों का यही स्वभाव था आज भी इनका यही स्वभाव है और लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी यही स्वभाव रहने वाला है इस माने में सनातन है शाश्वत है दुनिया में और सब कुछ बदलते रहता है धर्म नहीं बदलता कुदरत का कानून नहीं बनता बदलता निसर्ग के नियम नहीं बदलते रित नहीं बदलता वैसा का वैसा रहता है इस माने में सनातन धर्म कहा गया धर्म की इस व्याख्या को अच्छी तरह समझें, तो इसे संप्रदाय के साथ जोड़ने को जी नहीं चाहेगा धर्म सार्वजनीन होता है कुदरत का कानून सब पर एक जैसा लागू होता है जो व्यक्ति अपने को हिंदू कहे उसके लिए कुदरत का कानून कोई अलग होगा जो अपने को बौद्ध कहे उसके लिए कुदरत का कानून अलग होगा जो जैन कहे कोई मुस्लिम कहे कोई ईसाई कहे उनके लिए अलग अलग कानून होगा ऐसा नहीं होता आग जलाती है तो हिंदू को भी बौद्ध को भी जैन को भी ईसाई को भी जो उस जलती हुई अग्नि पर हाथ रखेगा उसका हाथ जलेगा सार्वजनिक नियम है सब पर लागू होते हैं जो क्रोध जगाएगा व्याकुल हो जाएगा वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि जैन हो कि ईसाई हो कि ब्राह्मण हो कि शूद्र हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस माने में धर्म सार्वजनिक होता है इस भेषभूषा का हो कि उस वेशभूषा का हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस दार्शनिक मान्यता को मानने वाला हो कि उस दार्शनिक मान्यता को मानने वाला हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह कर्म कांड करने वाला हो कि वो कर्म कांड करने वाला हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सार्वजनिक है सब पर लागू होता है चित्त को मैला करो और कुदरत का दंड भुगतो चित्त को निर्मल करो और कुदरत से पुरस्कार प्राप्त करो सब पर लागू होता है इसलिए धर्म सार्वजनिन होता है धर्म सार्वदेशिक होता है जो कुदरत का कानून यहां लागू है वही अन्य देशों में भी लागू है जो कुदरत का कानून कश्मीर में लागू है वो कन्याकुमारी में लागू है जो कच्छ में लागू है वो कामरूप में लागू है जो भारत में लागू है वो अमेरिका में लागू है जापान में लागू है चीन में लागू है सार्वदेशिक है सार्वभौमिक है ठीक इसी प्रकार धर्म कुदरत का कानून सार्वकालिक है सनातन है हमेशा एक जैसा रहता है इसलिए किसी संप्रदाय के साथ उसे जोड़ लेना धर्म का सही अर्थ भुला देना है धर्म का सही अर्थ कायम रहेगा तो हम उसे संप्रदाय के साथ नहीं जोड़ेंगे तो धर्म के नाम पर अपनी हानि नहीं होने देंगे संप्रदाय के साथ जुड़ता है तो यह हमारा धर्म ये तुम्हारा धर्म और हमें हमारे धर्म को बचाना है अपने धर्म को बचाना है तो उस धर्म को नष्ट करेंगे नहीं तो वो धर्म हमारे धर्म को नष्ट कर देगा हमारे धर्म को नष्ट करे उसके पहले हम उसे नष्ट करें अरे कहाँ तुम्हारा धर्म और कहा हमारा धर्म धर्म तो सबका है भाई इस बात को समझेंगे नहीं समझेंगे तो ये सारे लड़ाई झगड़े खून खराबा होगा समझेंगे तो अच्छी तरह बात समझ में आएगी कि मेरा धर्म तो उसी समय खतरे में पड़ गया जब मैंने अपने चित्त में विकार जगाया उसी समय खतरे में पड़ गया तो मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी है जरूर करनी है तो अपने चित्त को विकारों से विमुक्त तो रखूं, ये चित्त की रक्षा करनी है अगर अपने चित्त की रक्षा सही ढंग से करता है तो धर्म की रक्षा करता है और जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करने लगता है धर्म एवं तो हंते धर्मो रक्षति रक्षित है हम धर्म की रक्षा तो करें धर्म हमारी रक्षा करने लगा हमने धर्म का हनन किया धर्म हमारा हनन करने लगा इन चित्त वृत्तियों को दूषित नहीं होने दें देखें हम धर्म की रक्षा करने लगे और धर्म किस प्रकार हमारी रक्षा करने लगा शांति ही शांति सुख ही सुख बहुत शांति प्राप्त होती है चित्त को निर्मल रखने में चित्त में मैल आने न पाए मंगल इसी में समाया कल्याण इसी में समाया हुआ है ऐसे धर्म को धारण करें ऐसे धर्म को अपने चित्त में सुरक्षित रखें खूब मंगल होगा खूब कल्याण होगा कल्याण ही कल्याण होगा मंगल ही मंगल होगा कुदरत का कानून है सब पर लागू हो। मे मन रहे निर्मल सुखिया